मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शांति धाम चोरी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक कुल 4 मर्तबा की गई जांच में 7 जिम्मेदारों को दोषी पाया गया है, जिसमें अब 11.5 लाख रुपए की वसूली और दंडात्मक कार्यवाही होनी है। मामले की जांच सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, पूर्व सिदहा सरपंच राजमण सिंह एवं पुष्पराज सिंह की शिकायत पर हुई है। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी कई बार जांच हुई थी, लेकिन जांच में लीपापोती की जा रही थी, जिसको लेकर एक बार फिर शिकायत की गई थी। शिकायत कमिश्नर रीवा संभाग के समक्ष की गई थी, जिसके बाद अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आर्यस धुर्वे को जांच कर जांच प्रतिवेदन चाहा गया था। जांच में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री रामलाला कोकोटे और सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी की टीम ने संयुक्त तौर पर जांच की थी। इसी मामले की जांच राजस्व विभाग द्वारा भी की गई थी, जिसमें कमिश्नर द्वारा ही एसडीएम से जांच करवाई गई थी, जिसमें शांति धाम सिदहा की आराजी नंबर 3 में न बनाया जाकर हिनौती पंचायत की गदही की आराजी नंबर 24 और 27 में बना होना पाया गया था। मामले पर दोनों रिपोर्ट को संयुक्त किया जाकर जांचकर्ता अधिकारी रामलला कोकोटे ने जांच रिपोर्ट दी है, जिसमें शांति धाम चोरी मामले में 7 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। दोषियों में सिदहा से तत्कालीन सरपंच प्राणवती सिंह, तत्कालीन सचिव शशिकांत मिश्रा, तत्कालीन रोजगार सहायक दिलीप कुमार गुप्ता, तत्कालीन उपयंत्री अजय तिवारी, तत्कालीन सहायक यंत्री अनिल सिंह, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी एवं तत्कालीन जनपद गगेव मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मिलित है। जांच रिपोर्ट के अनुसार फर्जी तरीके से मूल्यांकित की गई कुल राशि 11,41,642 रुपए को निष्फल व्यय और निर्माण कार्य में मनमानी मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति से 1,63,091 रुपए की वसूली बनाई गई है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी ऊपर तक फैली हैं, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण मुख्य कार्यपालन स्तर के अधिकारियों के नाम लगातार बनाई जा रही वसूली है। इसके पहले भी अभी हाल ही में जनपद गगेव की चौरी पंचायत में हुए व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार पर की गई जांच में भी जनपद गगेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद ओझा के ऊपर भी 2.25 लाख रुपए के आसपास की वसूली बनाई गई थी। बांस पंचायत में भी पिछले वर्षों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री दिनेश आर्मो द्वारा की गई संयुक्त जांच में तत्कालीन जनपद सीईओ सहित सरपंच, सचिव और इंजीनियर को दोषी पाया गया था और वसूली बनाई गई थी। गौरतलब है कि पंचायतों में बढ़ रहे व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार को लेकर समय समय पर वरिष्ठ न्यायालयों में पदासीन न्यायाधीशों ने टिप्पणियां की है। आए दिन पंचायतों में राशि गबन और बिना कार्य कराए ही प्रभक्षण के मामले सामने आते रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के बाद भी ग्रामों की दुर्दशा बनी हुई है। ग्रामों में मूलभूत सेवाएं, सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय और स्वास्थ्य और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का व्यापक अभाव है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी चाहे वह जनप्रतिनिधि हो अथवा बड़े अधिकारी, या कि वह स्वयं इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण में संलिप्त है अथवा आंख में पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। रीवा जिला अंतर्गत गंगेव जनपद की सदहा पंचायत में शांति धाम चोरी का एक मामला था, जिसमें जांच चल रही थी और कमिश्नर कार्यालय से इस विषय पर एक अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी की सेवा को पत्र लिखकर जांच किए जाने का निर्देश दिया गया था। जांच में 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई, एक तो कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री रामलाल कोकोटे और दूसरे श्रीकांत द्विवेदी जो सहायक यंत्री हैं जनपद गंगेव में। इन दोनों अधिकारियों ने जांच की, लगभग 3 इन्होंने जांच की और एक पैरेलल जांच हुई एसडीएम सिरमौर से करवाई गई, जिसमें से पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें ये बताया गया कि सिदहा ग्राम पंचायत में जो शांति धाम बना है वो उसकी आराजी नंबर 3 में, सिदहा ग्राम की आराजी नंबर 3 में न बनाया जा करके नज़दीकी हिनौती पंचायत की आराजी के गदही ग्राम की आराजी नंबर 2427 में बनाया गया है। फिर 3 बार इसमें जांच हुई, मिट्टी खोद करके जांच का सैंपल लिया गया, ऑटो लेबल मशीन से लिया गया। पूरे मामले में अभी 2 दिन पहले जांच रिपोर्ट आई है जांच अधिकारियों की, उसमें 11,41,000 और कुछ रुपए इस तरह से रिकवरी बनाई गई है। 7 जिम्मेदारों के ऊपर रिकवरी बनाई गई है, इसमें तत्कालीन सरपंच, तत्कालीन सचिव, तत्कालीन रोजगार सहायक, इसमें 2 इंजीनियर, मतलब एक सहायक यंत्री अनिल सिंह और दूसरे उपयंत्री अजय तिवारी, और साथ में सहायक लेखाधिकारी गंगेव जनपद और तत्कालीन जनपद सीईओ को इसमें बराबर बराबर रिकवरी इनमें भरी जानी है, लगभग 1,61,000 समथिंग इस तरह से है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीओ जनपद के नाम पर रिकवरी आना इस तरह से यह साबित करता है कि व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है और कहां तक इसकी जड़ें हैं। इस विषय पर वसूली तो है ही है, साथ में इनके ऊपर FIR की कार्यवाही की जानी चाहिए और गबन 420 409 धाराएं जैसे होती हैं उस पर इन पे कार्यवाही की जानी चाहिए और साथ में इस प्रकार से जितने भी मामले हैं इनमें संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत CEO जिला कलेक्टर रीवा के द्वारा धारा 89 की सुनवाई के दौरान इनमें जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 2020 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनोज श्रीवास्तव जी का जो एक आदेश था उस आदेश के तहत इनके ऊपर गबन और दुर्वियोजन प्रभक्षण की FIR दर्ज की जानी चाहिए। बहुत ही गंभीर मामला है और अंत में शांतिधाम चोरी का मामले की रिपोर्ट आ गई है और वास्तव में वो शांतिधाम उस पंचायत में ना बनाया जाकर मनमाने ढंग से इसका मतलब दुर्वियोजन किया गया है, प्रभक्षण किया गया है पूरी राशि का।